राधे कृष्ण एवरीवन, मिंटू गोपाल होम किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी चना दाल और उड़द दाल के क्रिस्पी पकौड़े, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये घर के कुछ ही सामानों से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कप उड़द दाल और चने दाल को 2 घंटे के लिए भिगो लें और फिर उसको अच्छी तरह धो लें और अच्छे से पीस लें। दाल हमें बिना पानी डाले पीसना है क्योंकि हमें थोड़ा दरदराई पेस्ट चाहिए, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। अगर आपको पकौड़े जल्दी बनाकर खाना है तो आप इसे आधा घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं गर्म पानी में, फिर दाल अच्छे से फूल जाएगी और पकौड़े उतने ही स्वादिष्ट लगेंगे। अगर आपको अदरक लहसुन पसंद है तो वो डालकर भी पीस सकते हैं। चलिए दाल हमने पीस लिया है और इसको थोड़ा मोटा ही रखा है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। बर्तन में निकालने के बाद इसमें डालेंगे पीसे हुए मसाले, जिससे कि पकौड़े बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च और प्याज कटी हुई। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं इसे। तो चलिए पकोड़े बनाने के लिए हमारा चने और उड़द दाल का बैटर बनकर तैयार है। हम इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो चम्मच से ही बैटर को तेल में डालकर पकोड़े बना सकते हैं। पकोड़े तलने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखें, उसमें तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब उसमें पकोड़े डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो अब इसको निकाल लेते हैं। ऐसे करके सारे पकोड़े एक एक करके निकाल लें। क्रिस्पी करारे पकोड़े बनकर के तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।